ये पांच शेर खादी हो लिए अभी बात की मैंने, मगर डॉक्टर साहब वो पानी का प्रबंध तो कर दे। बोले आप चल मंगवाऊ अभी वाटर कूलर है, ये कर्मचारी दो और देखे गए हैं। जब ये हालात है हमने पीने का पानी तक नहीं दे सकती है सरकार, बैठने की तो दूर की बात है। तो साथियों मेरी आपसे एक अपील है, लाइन में भी लागे रहो, बांट भी जाओ, क्योंकि आप पहले भी दिक्कत यह हो रही है, कदे यो सट्टी पेड़ मतरी पेंशन कट जाए, कदे अतरी छोटी मोटी कोई नौकरी ले रहे वहां जा रहा है, कदे कोई और सुविधा जा नहीं रहा है। असल में रोल असली आए मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार हमें ना पेंशन देना चाहती ना रोजगार देना चाहती, यो जुड़सा मिल रहा है इसने खोसना चाह है। अरे बैठे हैं बहन के आज भी आ रहे होंगे मेरे ख्याल में, वो डिफेंड है बच्चा, मन बुद्धि है, शारीरिक तौर पे ना सुनता ना चल सकता, 100% था उसका सर्टिफिकेट पुराना, पिछला तक के अगले 50 का लिख दिया 100 का 50 लिख दिया, वो चल सकता नहीं, बोल सकता नहीं, अपनी बात कह सकता नहीं। गेला उसके परिवार के दो आदमी आ रहे हैं और यही किया जा रहा है, जिसका 100% है उसका 50 लिखते हैं, 80 वाले का 60 लिखते हैं, 100 वाले का 70 लिखते हैं, और 50 वाले नुके तू सही नहीं कहते नहीं, तेरा तो मतलब ही नहीं, सबके रिवर्स किए जा रहे हैं, बताओ भाई। और फिर किसी ने कहा तू खानपुर चला जा, किसी ने कहा तू रोड तक चला जा, हमारे साथी है मांगे राम जी नरवाड़ा से, उनकी मैडम है डिफेंड, रेफर कर दिया खानपुर के लिए, खानपुर गया, तारीख दे दी 25/10 दिन की, खानपुर आला ने 2025 वा भी 2025 तक बांट देखो भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का खतरे, इतना आपकी पेंशन तमाम सुविधाएं गई, हद है भाई। भाई बिकन दोगे बहुत बढ़िया, सरकार आ रही है बोलिया तो थे करिया, तो अच्छे दिन तो नुए आओगे नहीं, ये अच्छे दिन चल रहे हैं बापने, अच्छे दिन कहा थे ना मोदी वीर खट्टर भी, अच्छे दिन ले आवांगे बोलिया, ये अच्छे दिन सारे बैठो, इनका बाने सवेरे भूखे बाने आए थे, पानी नहीं पात नहीं बैठन ना जगह नहीं, अरे 12 बजे नंबर लागे उड़ा तो बोल लगा कुलमत खड़ा होकर मांगे राम लब ले रेफर कर दिया रोहतक खातर, पर तो तेरा कौन बनता बने था अगले बुधवार आइए, ये काट लेंगे पेशी 8-12 बजे, जिस से आए खुश हो रहे नहीं आप, कागज जमा हो गए बोले अपने आज तो बने जाएगा, कदे खुश होकर बैठे हो आधे दिन के उल्टे जाओगे। हालात ये है, अगर हम जींद की बात करा आड़े पूरे जिले में ऑर्थो का एक डॉक्टर है, ओनू को हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर मरीजान देखू, आख्या का सर्जन नहीं पूरा जींद में, डॉक्टर कौन करेगा भाई, डिफेंड का कोई स्पेशलिस्ट नहीं आ रहा है, कौन बनाओ मेडिकल। पूरे हरियाणा में मेरे विकलांग भाइयों की रेल बना रखी है, नाम तो दे दिया मोदी ने दिव्यांग, भले आज तक जब यह कुर्सी संभाली मोदी ने, भले कोई भी भाई लंगड़ा लूला काना भरा मुंगा नहीं कहेगा, ना हैंडीकैप के ना विकलांग, दिव्यांग आगे बोलिया, और दिव्यांग का अर्थ मेरे भाई कुछ पढ़े लिखे भी होंगे यार अच्छे, इसका भाई शब्दावली में जाके देखो, देवता देवी देवता, अरे अंग तो अंग, हम हा देवताओं के अंग, मोदी का हिसाब है देवताओं के अंग बना दिया आप, तो हम ये कहना चाहते हैं हम देवताओं के अंग नहीं है, और नाम हम किसी बेमाता की पूछता हो रहे भाई, ये विकलांगता जो हमारा मोरी है, ये विकलांगता किसी ने किसी ढंग से सरकार की देन है, सरकार की नीतियों की देन है, अगर मेरी माताओं को बहनों को जिन्होंने बच्चे को जन्म देना है अगर वो कुपोषित ना हो, अगर उसको भर पेट अनाज तमाम तरह की प्रोटीन तमाम तरह का बढ़िया राशन अच्छा माहौल अगर उस महिला को मिलता है तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, जमानी विकलांग पैदा हुए,
लेकिन 80% महिलाएं खून की कमी है गर्भवती महिलाओं में। फिर आप देखो नूपा है, हिंदुस्तान चमक रहा है, 75 साल की आजादी मनाई जा रही, अमृत महोत्सव देख लो भाई, 0 से लेकर 5 साल के बीच के बच्चे 45% बच्चे कुपोषित हैं, उनका वजन कम है, उनकी लंबाई कम है, आगे टेढ़े पार्स हैं, मैं विकलांग नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई। ये साथियों एक स्थिति है, ये सरकार ने हमारे के लकर रखा है, इसलिए साथियों इन बातों को समझने की जरूरत है। हम किस्मत न रोए जावा, असल में किस्मत बेमाता या खट्टर की मोदी ये फैसला करेंगे किसको देना है, किसका अगर घोटू लाना है। वह तय करेंगे यहाँ डॉक्टर बैठना कि नहीं बैठना है। अगर आड़े सारे डॉक्टर बैठे हो, हमने जमानी रोड तक जाना पड़े, जमानी खाल पर जाना पड़े, हम क्यों देखा भाई 12 बजे लग बाटे, मेरे कागज लो और मेरा चेकअप करो जा भाई। मतलब ये सुबह 8-9 बजे से लेकर के शाम ने 5 बजे तक मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनने चाहिए, क्या कतरे बिठा कर रखा है। जितने भी साथी आ रहा हमें सबके सर्टिफिकेट बना के भेजो भाई। और ये आड़े क्यों आवा भाई, ननवाड़ा भी अस्पताल से सभी 2 अस्पताल है, उचाले भी अस्पताल है, जुलाए भी अस्पताल है भाई, कितने सीएचसी पीएचसी भी हैं दौड़ते वर्गिया में। ये ओड़े क्या तो नहीं बड़ा, हमने धक्के क्यों खुआ रहे हैं, ये क्या तो खुआ रखे धक्के मारते। और फिर न्यू का भाई मोदी जी खट्टर जी, देश के लोगों ऑनलाइन प्रक्रिया है, कहीं पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रजिस्ट्रेशन करो बोलिया कब आने नुए फोन ले रहे हो, सारे स्मार्टफोन मिला घर बैठे भर दो फार्म, कितने जाने की जरूरत नहीं है। या देख लो भाई ऑनलाइन की हालात है, आम कुर्सी मशीन में खोली कराई पे तू तो नुका था कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो, जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम तो ऑनलाइन भी कर आए थे, अरे फिर लाइन में लगना पड़ गया। ये हालात साथियों असल में सरकारों की देन है, सरकारों की देन। अगर सरकारें चाहे तो भाई सब के मेडिकल सर्टिफिकेट ये आधार कार्ड बनवाए नहीं बनवाए कहीं ना, नू बोलिया भाई मैं इसी आईडी बनवाना चाहूँ, सबकी एक आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड बनाओ सारे, गांव में गए कैंप लाए, इनके मानस गए घर घर जाके पूछा आधार कार्ड बनाए कि नहीं बनाए, ये विकलांगों के सर्टिफिकेट क्या गांव गांव घर घर जाके नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते लेकिन बनाना नहीं चाहते। आपा सर्टिफिकेट नहीं बनवाओ इतने तंग कर दे आपा नहीं है, बोर्ड के नहीं आवाड़े इन कागजा का ला दे आगे, यह हिसाब है मोदी खट्टर, ताकि हमें पेंशन तय ये सुविधा होता है, पेंडा छूट जाए, ये रोजगार नहीं मांगे, ये पेंशन नहीं मांगे, अपना पतरोड़ा गिर रखे न। और आप कई कई पेंशन ले हुए, सारे भत्ते ले हुए, विदेशा में इलाज करावे महाराज इलाज को नहीं, और डॉक्टर को नहीं बैठे कहे गाई जनू कहे मेरा बुखार चढ़ गया तो पैरास्टामोल दे देगा ठाक है फार्मासिस्ट, बाकी डॉक्टर नहीं आ रहा है।